guys, good morning. What's up? Hope you guys are doing great. Today is 27th, बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज है मंडे. और मंडे को क्या होता है? डम डम का ऑनलाइन स्कूल. सो हम लोग आपको मिलते हैं थोड़ी देर में. रेडी होके अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट होके और मैं दिखाती हूँ आपको धीरे से माइका की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. आदित्य उठो. डमडम आपकी ब्रेक हो गई. हाँ. So what you'll have in breakfast? Bread, butter. Yeah. Okay. So just give me 5 minutes. मैं आपका लिख के आती हूँ. Okay? Okay. What are you doing? क्या किया आज आपने क्लास में? Phonic reader book, pattern writing book. Okay. Phonic reader में क्या किया? Nothing. I have to do just listen something. अच्छा. No cold water. सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में दे आर ओपनिंग द स्कूल्स बट आई थिंक इट्स टू अर्ली. आई एम लाइक स्पेशली डमडम शी इज़ वेरी स्मॉल, शी इज़ जस्ट 5. तो किड्स जो 5-4 ईयर्स के हैं और बिलो 5 ईयर्स हैं, बिलो 10 ईयर्स हैं, आई थिंक इट्स वेरी सून फॉर देम टू गो टू स्कूल बिकॉज कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, हाइजीन का ध्यान रखना, आई डोंट थिंक इतने छोटे बच्चे कर सकते हैं. ब्रेक के बाद क्या है? ब्रेक के बाद फिर से स्कूल है. नहीं, उसमें क्या करेंगे फिर वापस? पैटर्न राइटिंग. सो यू आर वेरी गुड इन पैटर्न राइटिंग नाउ, है ना? आई लाइक योर राइटिंग सर, बट यू नीड टू इम्प्रूव लिटिल मोर, है ना? दैट तो यू विल डू, है ना डमडम? तो मेरा प्लान यही था कि जब एंजी आएंगे ना तो ये डिस्को लाइट को ऑन कर देंगे, फिर सारे बाकी लंच बंद करेंगे और डिनर केक लेंगे और काटेंगे दादी के बर्थडे के लिए. तो हमने वैसे ही किया था ना. हब्बू, वेयर आर यू? हेलो. हाय. सो डन, माय स्कूल इज डन एंड आई एम रेडी. इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है. बेबी, तुम्हारे लिए घर पे स्विमिंग पूल बना है. हाँ. अरे देखो. Take. चलो डुबकी लगाते. सो बारिश आप देख रहे हैं, क्या जबरदस्त बारिश है. सितंबर में बारिश का मजा लीजिए. बारिश होती है तो इतना लेजी लगता है, ऐसा लगता है बस लेटे रहो. अब हो रहा है चाय का टाइम, इट्स टी टाइम, सो लेट्स मेक अ टी. ऑलमोस्ट हो गई है. मुझे चाय बहुत ज़्यादा उबाल के पीना अच्छा लगता है. मतलब उसमें जो एक कच्चापन होता है वो निकल जाता है. तो आई लाइक कि चाय अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो, देन ओनली आई लव टू हैव इट. मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी कुक से. ये आज हमारे लिए खाना बनाती है दीपा. नमस्ते. तो दीपा, आज क्या बना रही हो खाने में? आज तो दाल चावल बन रहा है, रोटी. और सब्जी में क्या बना रही हो? हरी काला आलू डाल के. आलू डाल के. आई नीड टू लूज लॉट ऑफ वेट बट मैं एवरी मंथ आई थिंक कि आई स्टार्ट डूइंग माय एक्सरसाइज. आज करूँगी, कल करूँगी, बट वो सुबह अलार्म बजता है और बंद कर देता है. बट या आई हैव टू वर्क ऑन माय सेल्फ. फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट रहता है. सबसे हम लोग में जल्दी करते हैं ना शादी. तो शादी दीपा के भी हम उन लोग के उसमें जल्दी शादी करते हैं. बट आई ऑलवेज से लड़की पढ़ाओ, यू नो, शादियां जल्दी मत कराओ. शादी तो इवेंचुअली सबकी होनी है. अच्छा इंडिपेंडेंट हो, दुनिया देखो, फिर शादी करो. इफ आई एम एट होम, सो दीपा आती है शाम खाना बनाती है. बट जनरली इफ आई एम एट होम, आई एम नॉट वर्किंग, तो सब्जी में छोका मैं ही प्रिफर करती हूँ कि मैं लगाऊँ. ऐसे दीपा नोज एवरीथिंग, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है. बट इफ आई एम देयर तो ठीक है, थोड़ा उस बहाने खाना बनाना हो जाता है एंड थोड़ा किचन में टाइम स्पेंड ज़्यादा हो जाता है. आई लाइक स्पेंडिंग टाइम इन किचन, कुकिंग एंड ऑल.
तो आई ऑलवेज टेल हर कि चॉपिंग कटिंग सब करो, जब छौंकने का मसाला डालने का टाइम आएगा तो आई विल कम एंड आई विल कुक इट। लोग दीपा ये कोविड में जब लॉकडाउन था तब ज्यादातर लोग कुक बन गए। मैंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, मैंने सीख कबाब बनाए और वो सीख कबाब बनते बनते मैं खुद कबाब बन गई थी। तो सेकेंड लॉकडाउन में सबने कुकिंग छोड़ दी, जब सेकेंड चालू हो गया। हाँ, फिर जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ तो फिर कुकिंग सबने कुकिंग से हाथ जोड़ लिए, नहीं एक लॉकडाउन में बहुत कुकिंग कर ली अब और नहीं करना। बट जनरली आई तभी सब बुलाने लगे। हाँ, बट जनरली आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन डिशेज लाइक चिकन, फिश, मटन एंड लिटिल बिट ऑफ चाइनीज। आई कुक रियली वेल, आई मीन मेरे घर वाले सब, माई फैमिली इज, तो वो लोग सब यही बोलते हैं कि मैं अच्छा बनाती हूँ, मुझे भी टेस्ट में तो अच्छा लगता है। सो बट ये सब मैंने लर्न किया अपनी मॉम से, बिकॉज माई मॉम इज अ वेरी, शी इज अ ऑसम कुक। ऐसी कोई डिश नहीं होगी जो मॉम नहीं बना सकती, तो वो यू नो जेनेटिकली दैट थिंग हैज कम इन मी। कुकिंग करना और सबको खिलाना, मैंने सब फैमिलीज मिलके खाएं, तो आई रियली लव दैट, आई एंजॉय। कर रही हैं अपनी चॉपिंग कटिंग, ये सबसे बोरिंग काम होता है ना? अच्छा लगता है मुझे तो ये कटिंग करना सबसे बोरिंग काम लगता है, मतलब कभी कभी अच्छा लगता है, बट ये वाली जो वेजिटेबल होती है ना लाइक ये स्प्रिंग अनियंस, ये बहुत टीडियस, ये बहुत तकलीफ वाला काम है। तो हैट्स ऑफ टू दीपा, सलाम दीपा को, कि दीपा, हैट्स ऑफ टू ऑल द कुक्स जो इतना अच्छा खाना बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एंड यू नो दे डिजर्व। आज वो हमको बना बना के इतना अच्छा खिलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सो आई लव कुक्स। बाय द वे दीपा को भी दो डोज लग चुके हैं वैक्सीन के, सो दीपा थोड़ा बोलो ऑडियंस को, सबको बोलो कि वैक्सीन लें, बहुत जरूरी है। जरूरी है वैक्सीन लेना, इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर, सो फॉर योर ओन हेल्थ रादर देन समबडी एल्स, आपकी खुद की हेल्थ के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, खुद की फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। सो गाइज प्लीज टेक वैक्सीन। ए हनु, तुम खाकरे को चाय में डिप कर रही हो क्या? ओह गॉड, रियली? या यू डोंट नो, खाकरे को चाय में डिप करके खाऊं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नो थैंक्स, जनरली मुझे सब चीजें ना, आई लाइक एवरीथिंग टू डिप इन द टी, एंड लाइक बिस्किट हो गया, पूड़ी हो गई, हो गई खाकरा चाय में डिप करके जो टेस्ट होता है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। उसी बात पे चीयर्स। अनु, समय ले रही हूँ चाय और खाखड़ा, और क्या बारिश हो रही है उसमें चाय और खाखड़ा। आहा, देखिए गाइस बुद्धा क्या लग रहे हैं, और व्यू देखिए, मौसम इतना अच्छा लग रहा है, द स्काई इज कम्प्लीटली ब्लू, इट्स अमेजिंग व्यू। मैं घंटों यहाँ बैठ के बाहर ही देखती रहती हूँ। तो कॉफी थी प्लीज, बोले का बॉर्नविटा है। ओ हेलो, कल से एक काम करना, खुद जाके बनाना। एक तो उसको किसी के और के हाथ की कॉफी जमती नहीं है, सिर्फ मेरे हाथ की कॉफी पीता है, तो बोलते कैफी थी। वाओ डम, ऑसम, थैंक यू, ऑसम शॉट, ओ माय गॉड, ऑसम, ओ 10 की स्पेलिंग बताओ। TEN 10 12 TWELVE 8 8 8 की स्पेलिंग I V A 8 8 E-I-G-H-T S-I-X X X X. So
गाइस अभी जा रहे हैं थोड़ा सा कैसे एक राउंड मारने ड्राइव लेने, गेटिंग बोर्ड. और आज वेदर इतना अच्छा है, बारिश इतनी अच्छी हो रही है, तो आई टोल्ड आ देते चलो यार एक राउंड लेके आ जाते हैं. प्लस वी हैव टू गो टू ATM ऑल्सो, तो वो काम भी हो जाएगा, एक छोटी सी ड्राइव भी हो जाएगी. इट्स ब्यूटिफुल वेदर, सो जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय लिटिल बिट. तो फिर आपको मिलती हूँ ड्राइव पे. तुम सेकंड डोज कब ले रहे हो? ये कब से सेकंड डोज नहीं ले रहा है, रोज मुझे बोलता है आज लूंगा. भाई साहब ले लीजिए. ATM पे आई एम सिटिंग इन कार वेटिंग फॉर हिम एंड आई एम एंजॉयिंग द वेदर. इट्स डैम लवली. इतना मन हो रहा है ना मुझे एक बारिश पे गाना गाने के लिए, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, सो कांट सिंग. सो आई एम रियली फीलिंग टू सिंग अ सॉन्ग बट देन कॉपीराइट है. अभी हम लोग ड्राइव करके आ गए हैं और आज मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद निकी. सी यू देयर.